चलिए जी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डिसोल्यूशन का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। दो क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तीसरे क्लास में मैंने आपको नोटिंग करवाई थी, कुछ समझाया नहीं था, उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर दी थी। ठीक है, तो तीसरी क्लास जो हमारी कल की हुई थी उसमें कुछ समझाया नहीं था, लेकिन उसकी सारी जर्नल एंट्रीज हम नोट डाउन कर चुके हैं। आज वो सारी जर्नल एंट्रीज मैं समझाने वाला हूँ, तो कायदे से आप ये लगा लो कि आज तीसरी क्लास है। ठीक है, तो जो कल की क्लास में एब्सेंट थे, तो पीडीएफ मैंने सेंड की हुई है, वो आप नोट डाउन कर लेना। जर्नल एंट्रीज देखो, लास्ट कौन सी हो रखी है हमारी, जो लास्ट जर्नल एंट्री है उसके बाद आधा या पौना पेज छोड़ दो, मतलब आधा पेज या एक से कम। ठीक है, तीन चार एंट्रीज हो सकता है फ्यूचर में आ जाएं क्वेश्चंस करते हुए, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अब आपको पांच छह फॉर्मेट्स बनाने हैं जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। पहले एक बार आप देख लो कौन कौन से फॉर्मेट बनेंगे। पांच या छह फॉर्मेट बनेंगे। जैसे सबसे पहले बनेगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनेगी आधे पेज की। फिर उसके बाद बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट आधे पेज का। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10-12 लाइनों का। ठीक है, तो अभी मैं बना रहा हूँ, साथ साथ चाहे बना लो आप लोग जर्नल एंट्री के आधा पेज छोड़ने के बाद। फर्स्ट फॉर्मेट मैं बनाने वाला हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बनानी है हाफ या उससे कम पेज की। आप लोगों ने पेजेस छोड़ दिए जो एब्सेंट थे। चार पेज में सारा चैप्टर हो गया था क्या, जर्नल एंट्रीज प्लस फर्स्ट वाले नोट्स? अच्छा, तो सबसे पहले हमने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस हिसाब से बनाना, हमने दोनों साइड आठ आठ दस दस आइटम्स लिखनी है। तो आपको आइडिया अब लग गया होगा, आठ दस आइटम्स आठ दस लाइनों में आएंगी, तो आप अपनी 12-13 लाइनों की टोटल बैलेंस शीट बना सकते हो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख लो, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। बैलेंस शीट के बाद हमने सेकंड फॉर्मेट बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट का, जो आधा पेज आपके पास बच जाएगा वो सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट में बन जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए भी मेरे को 12-13 लाइंस चाहिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट है, पीछे वर्ड आ गया अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट्स 12-13 लाइंस का, कहने का मतलब ये है एक ही पेज में दो फॉर्मेट बन गए होंगे, आधे पेज पे बैलेंस शीट आधे पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 3 लाइनों का सिर्फ चाहिए मुझे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट पीछे वर्ड आ रहा है अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट लगेगा क्योंकि ये भी लेजर ही है। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी क्या है, एक लेजर है। ये मुझे खाली 3 लाइनों का चाहिए, 3 लाइंस मैक्सिमम। मैं तभी बताता चला जा रहा हूं ताकि आपको स्पेस इश्यू ना लगे बाद में। 3 या 4 लाइनों के बाद उसके बाद चौथा अकाउंट हम बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखा जाए तो पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है, रीवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन आ गया है, पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स कैपिटल ही है। हाँ जी, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिया। क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट ही दी होगी ना, क्वेश्चन में डेटर क्रेडिटर एसेट्स लाइबिलिटी सारी दी होंगी, तो एक तरह से वो बैलेंस शीट क्वेश्चन का पार्ट है। और जो रियलाइजेशन पार्टनर्स लोन पार्टनर्स कैपिटल, ये आंसर का पार्ट है। पार्टनर्स कैपिटल है, दो पार्टनर्स बना देना ए और बी। पार्टनर्स कैपिटल के लिए मेरे को चाहिए 9-10 लाइंस चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल के लिए 9-10 लाइनें चाहिए, आधे से थोड़े कम पेज का बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में अगर आप देखोगे बैलेंस शीट की जगह क्या बनाया जाता है, कैश अकाउंट, आप उसको बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो। इसके बाद आपके पास बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है बैंक अकाउंट, आप इसको कैश बुक भी बोल सकते हो। ये भी चाहिए 8-9 लाइनों का, कैश बुक 8-9 लाइनों का मेरे को चाहिए। अब जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा है क्या लॉजिकल, आज हम चलेंगे इसी के साथ, आपके पूरे चैप्टर के नोट्स भी खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट।
मैंने अगली बार से ना पानी थोड़ा सा मिक्स कर देना है, नॉर्मल कैश अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट भी आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, जो मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करवाई थी पीडीएफ फाइल से, जो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करवाई थी, उस जर्नल एंट्री को हमने अब लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर प्लस वन में याद है अकाउंटिंग साइकिल होता था, सबसे पहला स्टेप होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके बाद होता था जर्नल, फिर लेजर, जर्नल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम दोनों क्या गर्व, क्या हो गया भाई, मैं इधर कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहे हैं, तुम अपना ही करी जा रहे हो। चलो जी, अब हमने जर्नल एंट्रीज हमने कल कर ली थी, आज हम जर्नल एंट्री को समझेंगे, जर्नल एंट्री करते कैसे हैं और उसको लेजर पोस्टिंग में कैसे डालना है। सर लेजर पोस्टिंग मतलब जो भी रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मनन यहाँ पे ध्यान दो। जर्नल एंट्रीज मैंने कल कर ली थी लेकिन समझी नहीं थी, तो कहने का मतलब है आज हम जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है उसको कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश अकाउंट में कैसे डालना है। तो सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री होती है फॉर क्लोजिंग द एसेट्स। सबसे पहले देखो चैप्टर क्या चल रहा है, किसी को पता है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब मैंने पहली क्लास में बताया था, तलाक हो रहा है पति पत्नी में, घर बार बेच रहे हैं, सारी संपत्तियों का ब्यौरा हो रहा है, तो जो जो पैसे आएंगे आपस में बांट लेंगे, या बाहर वालों को देना है तो बाहर वालों को पे कर देंगे। मतलब बिजनेस यहाँ पे बंद हो रही है यार, सोच के देखो बिजनेस बंद हो रहा है, पूरी की पूरी पार्टनरशिप भी खत्म हो रही है, पार्टनरशिप फॉर्म भी। याद है थ्योरी का टॉपिक किया था, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इधर तो ए बी सी का आपस में एग्रीमेंट भी खत्म हो रहा है, घर बार दुकान बिजनेस सब कुछ बेच रहे हैं। अब बेचेंगे, सोच के देखो यार मैं कोई एसेट्स बेचूंगा, एसी बेचा, घर बेचा, जमीन बेची, स्टॉक बेचा, पैसा मिलेगा ना, और कोई बैंक लोन वालों को पैसे देने भी हैं, तो सारा मैंने को पैसा का मतलब आदान प्रदान करना है, कहीं से पैसा आएगा कहीं पे जाएगा, लास्ट में अगर बच गया तो आपस में बांट लेंगे। जैसे पिछले कई चैप्टर में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, सारी एसेट्स और लाइबिलिटी की अपडेटेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू को निकालना पड़ता था, उसको बोलते थे रिवैल्यूएशन। यहाँ पे बनता है रियलाइजेशन, रियलाइज का मतलब होता है बेचना, कोई एसेट्स बेच दी उसको रियलाइज कर लिया, पेमेंट पे करनी, तो इसकी जगह बनेगा रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ना एक बैलेंस शीट दी होगी, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में काफी सारी आइटम्स दी होंगी, ऊपर की 2 या 3 लाइनें छोड़ देना। जैसे आपको बैंक बैलेंस दिया होगा, ठीक है, आपको कैश दिया होगा, आपको बिल रिसीवेबल दिए होंगे, आप लोगों को मशीनरी दी होगी, ठीक है जी, आपको इन्वेस्टमेंट दिया होगा, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, लिखते चले जाने साथ साथ आप लोगों ने भी। ऊपर की 2 लाइनें छोड़ देना। तो ये हो गया बैंक, हो गया कैश, हो गया बिल रिसीवेबल, हो गया मशीनरी, हो गई इन्वेस्टमेंट, हो गई बैलेंस शीट, जहां पे मैंने आपको बनवाई थी वहां पे लिखते चले जाओ। यहाँ पे लाइबिलिटी वाली साइड पे सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होती है, कैपिटल किस किस की होगी, ए की और बी की, हमने क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स लिए हैं तो ए और बी की कैपिटल गिवन होगी। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जर्नल रिजर्व गिवन होंगे, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, ठीक है जी, बिल्स पेबल गिवन होंगे, बैंक लोन भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और लाइबिलिटी बता सकते हो, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। लिख लिए दोनों साइड, एसेट लाइबिलिटी दोनों साइड लिख लिए। अब क्वेश्चन में ना आपको क्या गिवन होगी, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी और ये दिया होगा ए और बी का बिजनेस चल रहा था, पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, एडमिशन, फंडामेंटल, गुडविल, रिटायरमेंट, सब कुछ हो गया। मतलब ये हम लास्ट स्टेप पे पहुंचे हैं, मतलब हम खाई पे पहुंचे हुए हैं, इसके बाद सीधा मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब क्या है, अब बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा यार, अब बिजनेस बंद होगा। मैंने बैलेंस शीट देखी, मेरी बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस पड़ा है, कैश का बैलेंस पड़ा है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कस्टमर, डेटर्स, उनसे मैंने पैसे लेने हैं, मशीनरी पड़ी है, इन्वेस्टमेंट पड़ी है, इनका मैं क्या करूंगा, इनको बेच दूंगा, नहीं बेचूंगा तो कोई पार्टनर टेक ओवर करके चला जाएगा। ऐसे ही लाइबिलिटीज है, मेरे को बिल पेबल वालों को पैसा देना है, बैंक का लोन वापस करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो वेजेस हो गए उनको पैसे देने हैं, इनका क्या करूंगा, इनको पैसे दे दूंगा। तो सबसे पहला क्रक्स क्या है इस चैप्टर का, जो बैलेंस शीट पड़ी है उसको फुल बटा फुल खत्म कर देना है। इसकी कुछ चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा,
ठीक है, कोई लोन है जहां पे, देखो ये लोन है समझ लो बैंक लोन, और यहाँ पे लोन है एज लोन, मतलब बिजनेस ने ए से भी लोन लेके रखा हुआ है, एज लोन लाइबिलिटी साइड दिख रही है ना ये, तो मतलब बिजनेस ने लोन ले रखा है, कुछ लोन ले रखा है बैंक वालों से, कुछ लोन ले रखा है मिस्टर ए से, ए जो बिजनेस का पार्टनर है, तो ये एज लोन भी लिखो सबसे जरूरी है। तो बिजनेस ने क्या करना है, फुल बटा फुल सारी बैलेंस शीट को खत्म कर देना है। तलाक हो रहा है ना, तलाक हो रहा है तो पिछले सारे रिश्ते, पिछले सारे पैसे, पिछले सारे कागज, पिछले सारे डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट सब कुछ खत्म कर देना है। बिजनेस में इसको बोला जाता है बैलेंस शीट, सारी बैलेंस शीट को उजाड़ के फेंक देना है। उसकी कुछ आइटम पार्टनर्स कैपिटल को बिलोंग करती है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी, एसेट्स और लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी, प्रॉफिट या लॉस हुए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। कैश का बैलेंस हुआ, यहाँ पे मैंने कैश और बैंक दोनों का बैलेंस ले लिया ना, कैश और बैंक का बैलेंस होगा तो कैश अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को यहाँ से खत्म करके जिस जिस अकाउंट से वो बिलोंग करती है वहां पे उसको ट्रांसफर कर देना है। अब एंट्री देखो, सबसे पहली एंट्री पे मैं आ रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री देखो क्या है, सबसे पहले आपको क्या क्लोज करना है। फर्स्ट एंट्री में मैंने आपको लिखवाया था सबसे पहले आपको एसेट्स क्लोज करनी है, पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अपनी कॉपी खोलो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर क्लोजिंग द एसेट फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आपको ना सारी अपनी एसेट्स खत्म करनी है। एसेट्स मैंने आपको टॉपिक समझाया होगा, बैलेंस शीट से एसेट उठ के कहाँ जाएंगी, रियलाइजेशन में। तो सबसे पहले आप ये सोच के देखो, ए एंट्री, अगर मैं मशीन खरीदूंगा तो क्या जर्नल एंट्री होती थी, एसेट्स खरीदी है या मशीन खरीदी है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैलेंस शीट में देखो कहाँ पे आ रही होगी, ये बैलेंस शीट में यहाँ पे आ रही होगी मशीन, जैसे समझ लो मैंने फर्नीचर खरीदा तो कहाँ पे लिखूंगा मैं, लिखो यहाँ पे फर्नीचर, ठीक है जी फर्नीचर, यहाँ पे अमाउंट ऐसे ही डाल दो बस। तो सबसे पहले अगर मैं फर्नीचर खरीदूंगा, इसकी जर्नल एंट्री पता है क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे मैं फर्नीचर रिकॉर्ड कर लूंगा, जितना भी है बैंक में मेरा जितना भी पैसा पड़ा होगा, समझ लो 100 रुपया पड़ा है, 20 रुपए का फर्नीचर लिया तो 20 रुपए माइनस हो जाएंगे, बाकी 80 रह जाएगा, सिंपल सी बात है। ये वाले 20 रुपए फर्नीचर में आ जाएंगे और बैंक में से माइनस हो जाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, जर्नल एंट्री बनी है, अगर आप इधर देखोगे जर्नल एंट्री बनी है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मैंने मशीन खरीदी है, सर आप खरीद क्यों रहे हो, तो डिसोल्यूशन का चैप्टर है, पास्ट में कभी तो खरीदी होगी कि नहीं खरीदी होगी, ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ, जब मैंने पास्ट में खरीदी होगी तो बैलेंस शीट में आ गई होगी। पहली एंट्री क्लियर है, चलो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, फर्स्ट की बी एंट्री पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फॉर ट्रांसफर द एसेट इन रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या हो रहा है, अब क्रियाक्रम चल रहा है, जब कोई बंदा मर जाता है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा बिजनेस मर गया, तो उसकी जमीन जायदाद को कहाँ बांट दिया जाता है, उसके रिश्तेदारों में। जब पार्टनरशिप का पूरा बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है ना, डिसॉल्व होना मतलब खत्म होना, तो उसकी सारी एसेट्स को एक कॉमन अकाउंट बना लिया। हमने क्लास में देखा था, एक डिब्बा लिया था मैंने, याद है, एक कॉमन डिब्बा लिया था, उसे डिब्बे में डाल दिया था, तो उस डिब्बे का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले देखो ऊपर वाली एंट्री में, जब एसेट आई थी खरीदी थी तो एसेट को क्या किया था, डेबिट। अब जब एसेट जाएगी तो उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। तो देखो एंट्री बनेगी टू एसेट्स, पहले एसेट आई थी तो आपने किया था एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब एसेट जा रही है तो क्रेडिट में चली जाएगी, डेबिट क्या आ जाएगा रियलाइजेशन के, तो रियलाइजेशन के डेबिट में हम लिखेंगे टू एसेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी होगी वो वाली वैल्यू पे हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या फर्स्ट एंट्री समझ में आई आपको, लिखते चले जाओ साथ साथ, रियलाइजेशन के डेबिट में टू एसेट्स। फर्स्ट एंट्री क्या थी, मेरे को एक बार के लिए रिकॉल कराओ, परचेज की थी तो परचेज अकाउंट, ओ सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैलेंस शीट में चली गई। अब बैलेंस शीट से मैंने आपको क्या बोला, डिसोल्यूशन का चैप्टर, पूरी बैलेंस शीट को क्या करना है, जोड़ना है या खत्म करना है, बैलेंस शीट को खत्म करना है। तो बैलेंस शीट से उठा के मैंने कहां पे डालना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। जब एसेट आई थी तो डेबिट हुआ था, अब एसेट जा रही है तो क्रेडिट हो रहा है, जर्नल एंट्री ये बन रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये देखो फर्स्ट की बी एंट्री, आप लोगों ने भी देखना यही लिखी हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे नाम क्या लिखेंगे, नीचे वाला, इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, जर्नल से लेजर में जा रहे हैं हम, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख रहे हैं, देखो रियलाइजेशन का डेबिट साइड है ये, और नाम क्या लिखेंगे, नाम मैंने प्लस वन में सिखाया था, प्लस वन में हमने क्या सिखा होता है, नाम लिखेंगे अपोजिट वाला, तो इसलिए नाम लिखा टू एसेट्स। अब मेरी एसेट बैलेंस शीट में पड़ी है या बैलेंस शीट से उठा के रियलाइजेशन में पड़ी है, आपके सामने देखो रियलाइजेशन में पड़ी है, बैलेंस शीट से तो उड़ा दी ना मनन, बैलेंस शीट से अभी उड़ा के रियलाइजेशन में डाली है।
तो बैलेंस शीट में देखो ये वाली एसेट खत्म हो गई होगी, ये भी ये भी ये भी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट से मैंने उठा के कहां पे ट्रांसफर कर दिया है, गुरकिरत बोलने है साथ साथ कहां पे, रियलाइजेशन में। तो अब रियलाइजेशन में पड़ी है, मेरा चैप्टर क्या चल रहा है, डिसोल्यूशन। तो मेरे को तो एसेट्स बेचनी है ना, बिजनेस तो बंद हो गया, बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं होगा, क्योंकि एसेट तो अब रियलाइजेशन में पड़ी है। अब एंट्री क्या होगी, अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो बैंक डेबिट होगा। कहां से बेच रहे हैं, बैलेंस शीट में से या रियलाइजेशन में से? तो टू आ जाएगा रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में हो जाएगी एंट्री। फॉर एग्जांपल मैं 15 रुपए की बेच रहा हूं, तो देखो एंट्री कहां कहां होगी, क्या हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं सबसे लास्ट देखो, तो बैंक के डेबिट में आ जाएगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगी। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लो, रियलाइजेशन अकाउंट लिखो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखो एसेट्स सोल्ड। बुक में कभी कभी वर्ड सोल्ड की जगह होता है रियलाइज्ड, वो रियलाइजेशन से ही बना। कितने की एसेट बेची है मैंने, 15 रुपए की, तो मैंने ऐसे लिख दिया पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक के डेबिट में भी लिख दो, पता लग गया ना, बैंक के डेबिट में आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो सबसे नीचे आ जाओ, बैंक के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स सोल्ड। कितने रुपए, 15 रुपए, या 15 रुपए लिखने हैं ठीक है, नहीं तो क्रॉस क्रॉस डाल दो। क्या पहले की एबीसी एंट्री समझ आ गई है? सबसे पहले मैंने एसेट्स खरीदी थी तो बैलेंस शीट में गई होगी, फिर उसको रियलाइजेशन में डाला तो रियलाइजेशन के डेबिट में चली गई। सर वैसे देखा जाए तो बड़ा लॉजिकल कनेक्शन है, जब एसेट्स को हमने रियलाइजेशन में डाला तो डेबिट साइड, जब निकाला तो क्रेडिट साइड, क्योंकि अगर मैं दोबारा से डालता, अगर मैं डेबिट में डाल देता तो डबल हो जाती। तो जब एसेट आ रही है रियलाइजेशन में डेबिट में, जब जा रही है क्रेडिट में। और तीसरी वाली एंट्री में मैंने एसेट बेची है, एसेट बेचने की एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक के डेबिट में आ जाएगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो देखो बैंक के डेबिट में लिख दिया आपने अमाउंट, तो जो पैसा आएगा बैंक के डेबिट में। प्लस वन में कैश बुक का चैप्टर होता था, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, जो पैसा आ रहा है डेबिट में, जो जा रहा है क्रेडिट में। अब करो जी सेकंड की ए एंट्री। अब मेरे को अगर सारी लाइव देखो, अब मेरी सारी एसेट्स ना, मेरी अब सारी एसेट्स बैलेंस शीट में से खत्म हो चुकी हैं और रियलाइजेशन में जा चुकी हैं या बेच चुका हूं मैं। एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूड होंगी, जैसे स्टॉक या फर्नीचर, इनटेंजिबल एसेट्स भी। इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि कोई गुडविल है, कोई पेटेंट है, इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में नहीं करना। अब हर चैप्टर में मैं गुडविल को क्या करता था, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, ओल्ड गुडविल मान के। इस चैप्टर में डिफरेंट है, इस चैप्टर में इसको गुडविल को बाकी एसेट्स की तरह इज्जत देनी है और रियलाइजेशन के डेबिट में लेके चले जाने। अगर कुछ नहीं दिया हुआ एसेट्स के लिए तो समझ लो वो बिकी ही नहीं, खत्म वहीं के वहीं। जबकि लाइबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उनको पे करना पड़ेगा। सर क्या समझ नहीं आया, देखो एसेट्स और लाइबिलिटी मेरी रियलाइजेशन में जा चुकी हैं। अब अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ ना कि ये एसेट इतने की बिकी है या इतने की नहीं बिकी है, इतना डैमेज हो गया है, तो समझ लो सारी की सारी एसेट वेस्ट हो चुकी है, वो सेल ही नहीं हुई। ऐसे नहीं कहोगे कि जितने की एसेट थी सर हमने बेच दी होगी, नहीं। जबकि जो लाइबिलिटीज है उसको आपने ये अज्यूम करना है कि सारी की सारी पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी वाला कोई भी बंदा मानेगा नहीं। अब अगर मेरे को लाइबिलिटी को क्लोज करना है, उसकी भी तीन एंट्री है। सबसे पहले सोचो, अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ क्रेडिट पे, क्या जनरल एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ क्रेडिट पे, बोलना गर्व, थोड़ा तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा तेज, रुकना नहीं है, जब तक मैं बोलूंगा तब रुकना, उसके बाद रुकना है। अगर परचे अगर गुड्स खरीदी है कैश पे, फिर अगर क्रेडिट पे खरीदी है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब कि अब मैंने उधार पे सामान खरीदा, पैसे देने हैं ना, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो कहाँ पे आएगी, इधर एज लोन के नीचे जगह छोड़ी हुई है, देखो आपके पास जगह होगी, इधर लिख दो क्रेडिटर। तो कहने का मतलब ये है, अब आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी क्या, तो कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मैंने लिख दी। ऐसे और भी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेबल, बैंक से लोन लिया है, और भी लाइबिलिटीज हैं, उसको भी क्रॉस क्रॉस लगाओ। क्रॉस यानी कि अमाउंट भर दो, या डैश डैश भर दो, या ऐसे क्रॉस क्रॉस लगा दो सारी लाइबिलिटीज को। सर बाकियों में तो आपने क्रॉस नहीं लगाया, क्योंकि बाकी अलग चीजें हैं। अब मैंने क्या करना है, सारी लाइबिलिटीज,
अभी ऊपर वाली एंट्री में मैंने अभी तक एसेट्स को रियलाइजेशन में डाला था और एसेट्स को बेचा था ना, लाइबिलिटीज को भी तो करना पड़ेगा ना सबके लिए कॉमन, घर कौन सा है डिसोल्यूशन चैप्टर में, रियलाइजेशन। तो अब रियलाइजेशन को आपने ट्रांसफर कर देना है। जब मैंने एसेट्स लाइबिलिटी खरीदी थी सर, लाइबिलिटी कैसे खरीदी थी, मतलब जब लाइबिलिटी ट्रीट की थी हमने, क्रिएट की थी, क्या एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ना, अभी अभी आप लोगों ने मुझे बोला परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये तो मैंने परचेज की थी जब सामान। जब मैंने क्रेडिटर को अब ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, पहले पहले लाइबिलिटी क्रेडिट हुई थी, अब क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, टू क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। इसको समझने के लिए पहले फर्स्ट एंट्री समझनी पड़ेगी, जब मैंने क्रेडिटर बनाए होंगे, फिर जब क्रेडिटर को मैंने कैंसिल करना है, ट्रांसफर करना है, तो उल्टी एंट्री कर दो, पहले क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दो, तो एंट्री बन गई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आ जाओ, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे लिखो बाय लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में तो दिया होगा लाइबिलिटीज के नेम, तो हम लाइबिलिटीज के नेम लिख देंगे, जैसे बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो बाय लाइबिलिटीज हो गया, एक लिख देता हूं मैं बाय क्रेडिटर्स। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एसेट्स ट्रांसफर की हैं, लिखो ओ सॉरी लाइबिलिटीज ट्रांसफर की हैं, लिखो लाइबिलिटीज ट्रांसफर फ्रॉम, क्या लिखो, फ्रॉम बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट, जिसकी जर्नल एंट्री क्या बनी है गुरकिरत बता सकता है, गर्व तू बता दे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट बन रहे हैं ऊपर, क्रेडिटर अकाउंट बन रहे हैं, क्या एंट्री बनी थी, एंट्री बनी थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब मेरे पास क्रेडिटर्स जो है रियलाइजेशन अकाउंट में पड़े हैं, उनको पैसे भी तो देने हैं कि नहीं देने, वो तो लास्ट में आ जाएंगे कि भाई मेरे पैसे दो। अब पैसे देने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी सोच के देखना, क्योंकि पैसा जा रहा है तो टू वाली साइड तो बैंक आ जाएगा। अब मेरे क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में पड़े हैं, बैलेंस शीट में से तो देखो सारे के सारे हट गए, ये वाले सारे के सारे बैलेंस शीट में से हट के मैंने तो इसको रियलाइजेशन में तो डाल दिया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सर पहले ही समझा देते, एसेट्स हैं तो यहां से उठ के इधर आ जाएंगी, लाइबिलिटीज हैं तो यहां से उठ के इधर आ जाएंगी। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था पेपर में 50-60% चांस है इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज आती है, तो मैं अगर आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई याद करवाने लग जाऊं तो मैं जर्नल एंट्री कब सिखाऊंगा। तो पेपर में 50-60% इस चैप्टर में जर्नल एंट्री आती है, 50-60% कम बता रहा हूं मैं, 70-80% इस चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन जो है 6 नंबर का जर्नल एंट्री का ही आता है। इसलिए मेरे को लेजर पोस्टिंग तो सीखनी है, जर्नल एंट्रीज भी उतनी इंपॉर्टेंस से सीखनी है। तो मेरी को अब मुझे बताओ मेरी जो लाइबिलिटीज हैं अब बैलेंस शीट में पड़ी हैं या रियलाइजेशन में, ये देखो ये पड़ी है रियलाइजेशन में, तो जब आपको पैसे देने हैं तो रियलाइजेशन में से ही तो दोगे। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री बनेगी ये वाली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा, बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा, तो लिखो रियलाइजेशन के डेबिट में, क्या लिखूं बताओ, टू बैंक ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड या लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पेड, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया, बैंक के क्रेडिट में ले जाओ, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लाइबिलिटीज, बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट सारी जगह यही लिखता रहेगा, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो लाइबिलिटीज पेड, दो एंट्रियां समझ में आ गई। सबसे मुश्किल वाली दो एंट्रियां हो गई, सबसे पहले एसेट्स को क्या करना है ट्रांसफर करने रियलाइजेशन में, फिर वहां से बेच दो, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो, वहां से पे ऑफ कर दो, बोलना मेरे साथ साथ ये वाली लाइन, एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो वहीं से बेच दो, बोलो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो वहीं से, एसेट्स को रियलाइजेशन में वहीं से बेच दो, लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो वहां से पे कर दो, ये मत कहना कि लाइबिलिटीज भी बेच दो, लाइबिलिटीज को पे कर दो, एसेट्स को बेच दो, ठीक है जी। तीसरी एंट्री देखो क्या बन रही है, थर्ड एंट्री देखो जी अपनी, गुरकिरत जो बोल रहा हूं वो कर, थर्ड एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है,
एक यहाँ पे ना नोट मेरे को या रीड आउट करवाना था, थर्ड एंट्री से पहले देखना नोट नंबर वन क्या लिखा हुआ है। पार्टनर्स लोन, अगर बाय चांस पार्टनर से भी लोन ले रखा है बिजनेस ने तो उसको आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं माना जाएगा। सर आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या होता है? वो लाइबिलिटी होती है जो पार्टनर को छोड़ के, मतलब बिजनेस वाले जो बंदे हैं उनको छोड़ के बाहर वालों के प्रति हो, वो लाइबिलिटी होगी। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये तो इम्प्लॉय को देने, वो भी तो बिजनेस के हैं यार, वो मालिक थोड़ी है, वो मालिक थोड़ी है बिजनेस के। तो जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन, ये सारे आउटसाइडर लाइबिलिटी होते हैं। जो पार्टनर को पैसे देने हैं बिजनेस ने, वो इनसाइडर लाइबिलिटी होती है। तो जो पार्टनर लोन है, पार्टनर लोन का मतलब है जो बिजनेस ने पार्टनर से लोन ले रखा है, तो वो भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, तो उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा। इसलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाता है या अलग से लोन अकाउंट बनाया जाता है? अलग से लोन अकाउंट बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज आती है। अगली थर्ड एंट्री, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, ये पिछले चैप्टर की तरह ही है। एसेट टेक ओवर किया, बिजनेस उससे पैसे मांगेगा ना, किससे? तो पार्टनर्स कहेगा, मैंने आपको हमेशा बोला था पार्टनर्स में और बिजनेस में डीलिंग कैश में होती है या कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट में से काट लेगा, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट कर देगा। तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम हमेशा करते थे टू मशीनरी टू एसेट, लेकिन अब मेरी एसेट कहां पे पड़ी है? रियलाइजेशन में। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लिखो एसेट टेक ओवर, एसेट्स टेक ओवर। एंट्री बन रही है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बन रहा है नीचे, उसके डेबिट में डाल दो टू रियलाइजेशन, दोनों में ही डाल देना अभी, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो एसेट टेक ओवर, एसेट्स टेक ओवर। चौथी एंट्री बोलो क्या है? फोर्थ एंट्री लाइबिलिटीज टेक ओवर, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इधर पहले तो बाय बैलेंस के लिए जगह छोड़ देना, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर देखो कैपिटल लिखवाया था आपको ए और बी की, ये वो वाली कैपिटल आ गई। अब लिख लो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सर बाय रियलाइजेशन क्यों? क्योंकि एंट्री बनी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर वैसे तो हम करते थे बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट या बैंक लोन या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अब सारी एसेट्स रियल, सारी लाइबिलिटीज मेरी कहां पे पड़ी है? रियलाइजेशन में, इसलिए नाम उसी का आएगा। तो इधर ब्रैकेट में लिखोगे लाइबिलिटी टेक ओवर, लाइबिलिटी टेक ओवर, और रियलाइजेशन के डेबिट में भी डाल दो, रियलाइजेशन के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखो लाइबिलिटी टेक ओवर। हाँ जी देखो, जब लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया था तब आया था क्रेडिट साइड। इधर देखो, जब लाइबिलिटी को सबसे पहले हमने ट्रांसफर किया था तो क्रेडिट साइड आया था। या तो उस लाइबिलिटी को आप पैसे दे दोगे, पे ऑफ कर दोगे, या कोई पार्टनर लेके चला जाएगा। तो मतलब जब लाइबिलिटी खत्म हो रही है रियलाइजेशन से, चाहे आप उसको देखो पैसे दे दो तो टू बैंक आ जाएगा, पैसे नहीं दोगे तो कोई पार्टनर लेके चला जाएगा तो टू पार्टनर कैपिटल आ जाएगा। ट्रांसफर हुई थी यहां, खत्म हो रही है यहां, ट्रांसफर हुई थी क्रेडिट साइड, खत्म हो रही है डेबिट साइड, लाइबिलिटी टेक ओवर। अगली एंट्री बोलो, एंट्री नंबर पांच। एक और काम करो छोटा सा, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री के ना नंबरिंग भी देना शुरू करो। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी? फर्स्ट की ए, वो तो बैलेंस शीट में चली गई होगी, फर्स्ट की बी थी ये वाली, तो इस एंट्री को ना नंबर दे देना, ये फर्स्ट की बी एंट्री है। अच्छा जी, ये टू बैंक, ये सेकंड की सी एंट्री है, ये वाली एंट्री थी मेरी लाइबिलिटी टेक ओवर वाली फोर्थ। एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड वाली कौन सी एंट्री का नंबर था? वन का सी, देखना एक बार पीछे, एसेट सोल्ड वन का सी, तो ये मेरी एंट्री है। अच्छा, आपके पास जगह नहीं होगी, ये वन का सी हो गई। लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने वाली एंट्री थी टू का बी, और एसेट टेक ओवर करने वाली एंट्री थी एंट्री नंबर थ्री।
यहां से आपको याद रह जाएगा कि जर्नल एंट्री की नंबरिंग है ये। अगली एंट्री बोलना, एंट्री नंबर पांच, एंट्री नंबर पांच बोलो, अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या जर्नल एंट्री बन रही है? अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या करे, कुछ नहीं होता। तो अगर पिछले चैप्टर होते थे तो टू रिवैल्यूएशन करते थे, यहाँ पे रियलाइजेशन। तो बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। एंट्री नंबर क्या है? पांच। तो लिख दो दोबारा से, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स। रिवैल्यूएशन वाले चैप्टर की तरह एंट्री है ये भी सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बस यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री नंबर पांच बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये होगी एंट्री नंबर पांच। एंट्री नंबर छह देखो क्या है, क्या बनेगी एंट्री? बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो एंट्री नंबर छह, टू बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। रियलाइजेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में, तो बैंक के क्रेडिट में आ जाओ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है जी, छह एंट्रीज हो गई। सेवंथ एंट्री क्या है? एक बार मेरे को देखने दो, सेवंथ एंट्री, सेवंथ एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन के खर्चे हैं, लॉस हो गया ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है तो बैंक के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो, बैंक के क्रेडिट में। एंट्री का नंबर क्या है बताओ, क्या डाउट है? एसेट जाती है मतलब कहां पे जाती है, ट्रांसफर होती है कि बेचते हैं? तो रियलाइजेशन के डेबिट में। अब एंट्री का नंबर कौन सा था ये? तो क्या आ जाएगा दोबारा से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कैश अकाउंट। एक लौता बेचारा ऐसा अकाउंट है ना, ये यही लिखता रह जाएगा, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। लेकिन इस चैप्टर में एक खासियत है, आपको ब्रैकेट में सब कुछ शो करना पड़ेगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंस, और कहां पे आएगी? बैंक के क्रेडिट में लिख दिया, और कहां पे आएगी? रियलाइजेशन के डेबिट में। डेबिट में सारे लॉस हुए, तो टू बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। टू बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एट्थ एंट्री देखना क्या है, इफ अगली एंट्री मेरे को पढ़ने दो एक बार के लिए। नंबर क्या था? एट्थ। डाउट बाद में पूछ लेना, पहले साथ साथ समझ लो, नहीं तो अगले वाले भी डाउट ही बनते चले जाएंगे, क्लास के बाद में मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट एट्थ एंट्री है, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर। मैंने कल बताया था ये एंट्री क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी टेक ओवर, बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस के खर्चे पार्टनर ले गया। क्या सब कुछ फ्री में होता है? नहीं, कहेगा मेरी कैपिटल में जोड़ देना, मेरी कैपिटल में ऐड कर देना, क्योंकि आपके खर्चे मैं दे रहा हूं, बिजनेस का खर्चा है, इसलिए एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं। अब मैं क्या कैश में पे कर रहा हूं? अगर कैश में पे करता तो टू बैंक का आ जाता, जैसे अभी ऊपर वाली एंट्री थी। तो मैं कैश में पे नहीं कर रहा, कोई पार्टनर पे कर रहा है, तो मैंने उसकी पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर दूंगा, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो पार्टनर की कैपिटल में प्लस हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में एट्थ तो वही एंट्री होगी जो सेवंथ है, ठीक है? तो रियलाइजेशन के डेबिट में तो आप रहने ही, चलो लिख लो है सेम। हाँ, इधर आएगी टू पार्टनर कैपिटल, टू बैंक नहीं आएगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरी ट्रीटमेंट कहां पे होगी एंट्री देख लो, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस, बाय
रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में ये बियर कर रहे हैं। अभी दोनों मान लो, अभी ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके अकाउंट में लिख देंगे। आठ एंट्रीज हो गई हैं, ये एट्थ थी, नाइन्थ बोलना क्या है, अच्छा जी एक बार के लिए स्क्रीन पे दिखा देते हैं। नाइन्थ एंट्री चल रही है, नाइन्थ एंट्री अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे किए हैं, ऑल्सो बोर्न बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर के ही खर्चे थे, पार्टनर ने पे किए, तो कहेगा बिजनेस कहेगा मेरा क्या लेना देना, नो एंट्री। पेपर में ये वाली एंट्री पक्का आती है, अगर जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आता है ना तो ये पक्का देते हैं, तो उसका आंसर यही लिखना पड़ेगा, नो एंट्री। आगे एंट्री नंबर 10 पढ़ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर, बोर्न बाय पार्टनर का मतलब है ये पार्टनर के खर्चे हैं, पे किसने कर दिए, बिजनेस ने, तो बिजनेस के लिए टू बैंक तो हो जाएगा। सर टू बैंक क्यों होगा यार, बिजनेस ने पे किया है ना, तो टू बैंक है, वो पैसे फिर हम किससे लेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल में से काट लेंगे, मतलब उसको डेबिट कर देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर इसका रियलाइजेशन में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये बिजनेस के खर्चे नहीं है, सो सिंपल, पार्टनर के खर्चे हैं, बिजनेस के खर्चे होते तो रियलाइजेशन में आ जाते, पार्टनर के खर्चे हैं तो पार्टनर के डेबिट में आएंगे। करवाओ मेरे को एंट्री करवाओ, कहां कहां करें, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। टेंथ एंट्री बोल रहे थे ये, कि इलेवंथ है, टेंथ, तो लिख देंगे टू बैंक। एक्सपेंस ऑफ पार्टनर्स, एक्सपेंस ऑफ पार्टनर्स, जो बुक में क्वेश्चन है उसमें कभी भी नहीं लिखा होता एक्सपेंस ऑफ पार्टनर, बुक में लिखा होता है एक्सपेंस बोर्न बाय या बियर बाय, तो उसका ये मतलब होता है कि ये पार्टनर के खर्चे हैं। बैंक के क्रेडिट में कर दो, बैंक के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन कोई नहीं हो पाएगा, सिर्फ ये वाली लेजर पोस्टिंग करके छुट्टी है। एंट्री नंबर 11, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जैसे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता था, इफ देयर इज प्रॉफिट एट द एंड, सेम रिवैल्यूएशन जैसा, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल, वही एबीसी करके जैसे आप लिखते थे ना हमेशा। तो लास्ट में जो आंसर निकल रहा है वो आंसर है, एक तरह से क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दो प्रॉफिट, फिर उसके नीचे याद है ए बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कितना ले जाते थे, बाय वाली साइड, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, कौन सी रेशो में, ये वाला प्रॉफिट याद है हमेशा ओल्ड रेशो में होता था, इस चैप्टर में तो चक्कर ही नहीं है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो गेनिंग रेशो सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर में वो छोटे छोटे वो नन्ने मुन्ने क्वेश्चन नहीं होते थे एक्वायर्ड बाय, ये वो इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बिजनेस ही खत्म हो गया, किसकी रेशो बचेगी ही नहीं, तो न्यू का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, पुराने को खत्म कर रहे हैं न्यू कहां से आ जाएगा, ये तो तलाक है डाइवोर्स है, तो तलाक और डाइवोर्स में सब कुछ। हाँ आगे लॉस वाली एंट्री करो, एंट्री नंबर 12 है देखना लॉस वाली, एंट्री नंबर 12 बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लॉस, बाय पार्टनर्स कैपिटल गर्व, एंट्री नंबर 12 कर दी है, 12 नंबर कर दी, लॉस इधर, यहां पे ए का लॉस आ जाएगा, यहां पे बी का, ठीक है जी, और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन रियलाइजेशन, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। एंट्री नंबर 13 बोलो क्या है, देख लेते हैं जी एंट्री नंबर 13 क्या बोल रही है, रियलाइजेशन की तो चलो ज्यादा एंट्रीज खत्म हो गई, अब आगे एंट्रीज है, एंट्रीज रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सेम है जो पिछले चैप्टर से करते आ रहे हैं, जर्नल रिजर्व डेबिट, ये डेबिट, वो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या यहाँ पे रियलाइजेशन का लॉस है, याद रखना मैं आपको एक काम की चीज बता रहा हूँ, रियलाइजेशन में एसेट और लाइबिलिटी का रोल है, प्रॉफिट लॉस तो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, बैलेंस शीट से उठा के रियलाइजेशन में नहीं डालना, बैलेंस शीट से सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी को उठा के रियलाइजेशन में डालना है,
ये तो बैलेंस शीट से उठाओ सीधा पार्टनर्स कैपिटल में, खत्म। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे पिछले चैप्टर्स में करते थे। हाँ, जैसे देखो ये जनरल रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट है, जैसे हर चैप्टर में करते थे वही हो रहा है। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में कर दो, बाय जनरल रिजर्व बाय पी एंड एल अकाउंट, बस बाय जनरल रिजर्व पी एंड एल अकाउंट। ये हो गया एंट्री नंबर कौन सा था ये, 13। तो 13 एंट्री हो गई। 14 में लॉसेस है, लॉसेस के नाम याद है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, हाँ ये बने, टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू या टू एडवर्टीजमेंट, बस दो लिख लो बोलते हैं। ये देख लो यहां तक क्लियर है। जर्नलिज्म बांट दिया बाई वाली तरफ, लॉस बांट दिया टू वाली तरफ, गुरकिरत दो लॉसेस के नाम लिखे हैं, एडवर्टीजमेंट और पी एंड एल। आगे एंट्री का नंबर बोलो मुझे। अच्छा जी, एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स लोन, ये भी अपने आप में बड़ी खास एंट्रीज हैं, पेपर में हमेशा आती है लोन वाली, और एक आती है एक्सपेंसेस बियर बाय, जो भी हमने किया था ना ऊपर 9th 10th एंट्री, फर्म ने बियर किए ये कुछ। अगर लोन ले रही है बिजनेस, अगर बिजनेस लोन ले रहा है, क्या लिखा हुआ है, लोन इज टेकन फ्रॉम, लोन इज टेकन बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर, बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, तो बैंक के डेबिट में कर दो, बैंक के डेबिट में। एंट्री नंबर बोल दो, क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स लोन, टू पार्टनर्स लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन भी बना रहे हैं ना हम, देखो बाय बैंक। जिसको ये एंट्री समझ आ गई, मतलब पिछली एंट्रीज की सीरीज आपको समझ आ रही है, कम से कम जर्नल से लेजर बनाना तो आपको समझ आ गया होगा, सारा रिकॉल हो गया होगा। बाय बैंक ब्रैकेट में लिख दो लोन टेकन, 16th एंट्री में लोन वापस कर रहे हैं, तो एंट्री को घुमा दो, पहले किया था बैंक टू पार्टनर्स लोन, अब कर पार्टनर्स लोन टू बैंक, तो पार्टनर्स लोन में एंट्री नंबर कौन सी है, 16, अब कर दो टू बैंक। सर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ पहले लोन लिया था कई साल पहले, आज बेच दिया, मतलब लोन रीपे कर दिया, पहले ये पार्टनर लोन में पैसा आया है क्रेडिट साइड पे, अब पार्टनर लोन से पैसा जा रहा है, मतलब कैंसिल हो रहा है लोन, तो पहले जब आया था लाइबिलिटी या तो क्रेडिट साइड चला गया, तो क्रेडिट साइड ब्रैकेट में लिखो लोन रीपेड, लोन रीपेड, खत्म। कैपिटल नहीं मनन, पर कैपिटल कहां पे आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, कैपिटल अकाउंट इज अ डिफरेंट अकाउंट, लोन अकाउंट इज अ डिफरेंट अकाउंट। इधर देखो कैपिटल अकाउंट उसके नीचे बन रहा है हमारा, पहले पार्टनर लोन को क्लोज करो, क्लोज करने का मतलब है जैसे आप करते हैं, बस पार्टनर लोन में ऐसी दो ही एंट्री होती है, हाँ ये वही है जो बाई बैंक है ना, ये वही है बाई बैलेंस, अगर हमने ताजा लिया है तो बाई बैंक करते हैं, नहीं तो ये बाई बैलेंस आ जाता है, ये वही लोन है, क्योंकि गर्व ये वाला और ये वाला सेम लोन है, वो कुछ नहीं होगी, पार्टनर लोन टू पार्टनर लोन वो बस ऐसे ही है, वो समझाने के लिए थी, उसका कुछ नहीं करना, रुक जाओ अभी सारा खत्म हुआ नहीं है अभी, बस तू जाने तो जा, तेरी अंदर बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में ना अभी तक सारा कुछ क्लियर नहीं हुआ, बैलेंस शीट में ना अभी जो कैश का या बैंक का ये जो बैलेंस पड़ा है ना, इसको आप लोगों ने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया। देखो जनरल रिजर्व को तो ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था, ये जो एज लोन था इसको पार्टनर लोन में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन की तरह ट्रांसफर कर दिया था। अब जो ये पड़ा है ना आपके पास कैश और बैंक, इसको कैश और बैंक के डेबिट साइड पे डालना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो बाय वाली साइड, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्पेस छुड़वाना भूल गया था, तो पहले हमेशा यही होनी है, तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन, वैसे तो गलत है, तो ये सबसे स्टार्टिंग में आनी चाहिएगी, लिखो ओपनिंग बैलेंस,
ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक दोनों को प्लस करके। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों नहीं दिए होते, अभी रहता है यार, अभी 10 मिनट की क्लास रहती है, अभी पेंडिंग है, तो कॉपीज बंद करने की जरूरत नहीं है। और इसको पहले ही हो ना कॉन्शियस करने लग जाता है मेरे को, ऐसे मेरे चारों तरफ मंडराने लग जाएगा, कॉपी बंद 10:30 4:30 भाई ये रुक जाए यार, तसल्ली नाल करान दे, मनन 5-10 मिनट वेट कर लेना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना होता है। अब मेरे को क्वेश्चन कैसे खत्म करना है, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बड़ा क्वेश्चन दो तरीकों से आता है, या तो ये सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे जैसे एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर में आता है, या फिर जर्नल एंट्रीज आती हैं। तो अगर मेरे को सारे अकाउंट बनाने हैं, मेरी बैलेंस शीट तो बेटा खत्म हो गई है, बैलेंस शीट को अब हमने इग्नोर कर देना है। बैलेंस शीट में से आइटम एसेट्स को हमने डाला था रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में, जर्नल रिजर्व वगैरह को पार्टनर्स कैपिटल में, लोन को लोन अकाउंट में, कैश को कैश अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल जो दी हुई थी ए की और बी की कैपिटल अकाउंट में। तो बैलेंस शीट खत्म हो गई। अब रियलाइजेशन का भी हमारा आंसर खत्म हो गया ना, देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया था, यहाँ पे हमने लॉस निकाल लिया था। तो पहले रियलाइजेशन का आंसर खत्म करो, यहाँ पे सर कैसे टोटल करके खत्म करो रियलाइजेशन अकाउंट को। अब हम सारे अकाउंट्स भी तो क्लोज करेंगे ना, अभी अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए, तो इसको क्लोज कर दो। इसका आंसर निकल आया था, इसके आंसर को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया था, पता चल गया ना। ये लास्ट में टोटल कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट देखो हमने निकाल लिया था, ये प्रॉफिट है, ये लॉस निकल आया था। पार्टनर्स लोन अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, एक बार पैसा आया था या पैसा आएगा या ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, उसको पे कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल का आंसर खतरनाक है, पार्टनर्स कैपिटल का आंसर कैसे निकालोगे, देखो अधूरा है ना ये। तो यहां पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं ना, यहां से डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। एडमिशन का चैप्टर होता था तो आप लिख देते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हो क्या, बिजनेस ही बंद हो गया, जब डेथ या रिटायरमेंट वाले बंदे का नहीं लिखते थे, ये तो बिजनेस ही बंद हो गया। तो यहां पे अब क्या किया जाए, मैं आपको देता हूं एग्जांपल, जैसे ए का टोटल क्रेडिट आ रहा है 1000 पे, सिचुएशन बना रहा हूं मैं, मेरे को बताना, ए का टोटल क्रेडिट आ रहा है 1000, इसका ये मतलब है ए का बिजनेस में 1000 पे पड़ा है, जबकि जो उसके एसेट टेक ओवर कोई खर्चे थे ये जो डेबिट साइड वाले, उसका टोटल आया था 650, तो बाकी 350 रुपए उसका रहता है। सर एक बार फिर से, उसका बिजनेस में 1000 रुपीज पड़ा है एज अ प्रॉफिट एज अ कैपिटल, 650 उसका एज अ लॉस पड़ा है, तो बाकी जो बच गया माइनस करके वो उसको पे कर दो यार, अभी पे ही तो करेंगे, बिजनेस बंद हो रहा है, जिसका जिसका जो हिसाब है खत्म करके पे करके, या फिर अगर कम आ रहा होता तो उससे वापस मंगाते। और ये समझ में आई, अगर उसका पैसा ज्यादा पड़ा है, ज्यादा यार हमेशा वही वाला कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो उसको पे कर दो टू बैंक ब्रैकेट में रीपेड। तो मैंने यहां पे इसका मान लिया 350, क्योंकि इसका क्रेडिट साइड था 1000, डेबिट साइड था 650। अब बी का मेरे को बताना क्या सिचुएशन बनेगी, बी का क्रेडिट का टोटल आया 2000, ठीक है जी, डेबिट का टोटल आया 3500, मतलब उसके बिजनेस में पड़े हैं 2000 पे, जबकि उसने बिजनेस से हमने उससे लेने हैं 3500, कहेगा चल 2000 तो मेरा पड़ा है, बाकी 1500 मेरे से ले लो, तो बिजनेस में कैश आएगा, तो इस तरफ आंसर आएगा बाय बैंक कैश ब्रोट इन। सर ये तो वही है रिटायरमेंट वाले चैप्टर, एडमिशन वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट में नहीं करते थे, जो पूछ बनती थी कोई लेके आता है किसी को रिफंड करते हैं, रिफंड करेंगे टू वाली साइड, लेके आएगा कैश ब्रोट इन। अभी भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, कितना आएगा अब, ये वाला पैसा बिजनेस में आ रहा है तो बैंक के डेबिट में, ये जा रहा है क्रेडिट में, तो एंट्री करो लिखो टू, हाँ टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में बी लिख दो और इधर लिख दो रिफंड। रिफंड किसको कर रहे थे, बी को, कितना रिफंड कर रहे थे, 1500, ए को रिफंड, बी लेके आ रहा था, सॉरी बी लेके आ रहा था, तो लिख देंगे ब्रोट इन, हाँ यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में ए लिख दो रिफंड, ये था रिफंड, कितना था 350। ये लास्ट में ना जैसे बैलेंस शीट मैच हो जाती थी, ये लास्ट में मैच हो जाएगा और आंसर खत्म हो जाएगा, इसी के साथ आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन खत्म होगा, बाकी करेंगे कल।